subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुबह की शुरुआत यही है, संध्या की शाम भी यही। सुबह हम लोग निकलते हैं, कल रात्रि में भी हमारी टीम वहां गई, हम लोगों ने बात किया क्या मंत्री जी से कल मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो वहां पे कुछ बातें सार्थक नहीं हो पाई, पर हम लोगों ने कहा सुबह जाएंगे, प्रयास करेंगे। हमारी टीम पहुंची, हम और दीपक जी, और मंत्री जी के मुलाकात पे लगभग 11:30 बजे हम लोगों की मुलाकात हुई, पर ऐसी मुलाकात की कल्पना नहीं की गई थी हमारी टीम को, दीपक जी को, कि हम लोग ऐसी मुलाकात भी कर पाएंगे। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, ये जो एक फाइल आपको दिख रही है, इतनी मोटी फाइल है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इस फाइल में सभी के भविष्य कैद, ये फाइल जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सबसे पहले पन्ना इसमें हमने अपना लगाया है, ज्ञापन। ज्ञापन में 51,112 पद का हलफनामा, 17,000 की विज्ञप्ति, आरटी के द्वारा खाली पद, मेन मेन चीज़ें लिखी गई जो कि मंत्री जी के नाम से लिखी गई थी। उसके बाद आते हैं, ये आपका हलफनामा इसमें लगा है। जब मंत्री जी ने इस पेज को खोला, संदीप सिंह जी ने, तो यही बोले हलफनामा, मतलब अभी तक मैं सुन ही रहा था, एकदम दीपक जी मौजूद थे हमारे साथ, सीरियस हो गए, थोड़ा सीरियस हो गए। और ये जो 3 पेज का हलफनामा, 4 पेज का इंग्लिश में लिखा है, चारों पेज को उन्होंने पढ़ा विधिवत, और इसमें जो लाइन लिखी है 51,112 पद का हलफनामा वह पढ़ा। और आरटीए के द्वारा जब भी किसी भी शिक्षा विभाग में 10% से अधिक वैकेंसी खाली होती है, तुरंत शिक्षा विभाग को नोटिस जाता है कि आप वैकेंसी को भरिए, रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, वह पढ़ा। उसके बाद संदीप जी कहते हैं कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अच्छे मजबूत किए हैं, तो हमने कहा सर ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी आगे आप देखते जाइए, हम लोगों ने प्रत्येक जिले का डेटा कलेक्ट किया है। और सर आपको सभी लोगों को जो भी सम्मानित डेट सीटेट पास बेरोजगार जुड़े हैं, हर एक पन्ने को, ये 44 पेज की जो फाइल है, 44 पेज के 4400 पेजों पर सर ने नजर डाली। उसके बाद हम ये खोलते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये देखिए लखनऊ की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी निकला है कि कितने पद कहाँ खाली है, इस पे आप देखिएगा, ये पद निकले हैं अब अभी तक। उसके बाद हमने लगाया ये आपका जिला बेसिक आजमगढ़ में कितने रिक्त पद हैं, उन्होंने बोला है योगी जी एक ही मानक पे कार्य कर रहे हैं, गुणवत्ता शिक्षक चाहिए, भले ही उन्होंने कहा समय लगेगा, पर उन्होंने यह भी पुष्टि कर दी है कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, सोशल मीडिया पर और कमिश्नर से, ऑफिसर से, अधिकारी से बात हो रही थी, पर अब धरातल पर काम शुरू हो गया। धरातल पर कार्य शुरू होने का अर्थात मतलब यह है कि अब जमीन पर कार्य शुरू है, बहुत जल्द उन्होंने यह बोला है आचार संहिता के, बहुत जल्द आपको, आपकी टीम, आपका आयोग आपके बीच उपस्थित होगा। उन्होंने यह भी बोला है आयोग का केवल और केवल उद्देश्य है शिक्षक भर्ती वालों को, टेट सीटेट पास वालों को हताश, निराश और आंदोलन ना करना पड़े, जो हम लोग आज ये कर रहे हैं, तपती धूप में 42 डिग्री टेम्परेचर में लोगों तक चिल्लाना पड़ रहा है, आवाज पहुंचानी पड़ रही है, वो नहीं करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष शिक्षक भर्ती एक कैलेंडर जारी करेंगे, कब फॉर्म आएगा, कब आएगा, पर उन्होंने यह बात पुष्टि हो गई है साथियों, 55 से 60 हजार से अधिक पदोन्नति होगी, मतलब प्रमोशन होगा बेसिक विभाग में। हमने यह भी बात रखी कि बेसिक में नियम है 5 साल के बाद पदोन्नत की जाती है, पर अभी तक 8 साल से हमारे पास बेसिक के भी कुछ जो कि बहुत अच्छे लीडर रहे हैं अपने समय के, उनका भी, बड़े भैया लोगों का भी मुझे सहयोग मिलता है, चाहे वह अखिलेश जी हो, चाहे हमारे बीच कल वायरल सर, आप समझ गए होंगे मैं किन का नाम ले रहा हूँ, हमारे बीच वो उपस्थित रहे, मैंने उनसे, क्योंकि आपको बता दूं जहां भी आपको सीखने को मिले उस अवसर को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने लोगों से नहीं मिलते हैं, कल हम अपने वायरल सर, जिनका एक वीडियो आपने वायरल देखा, शिवेंद्र सिंह बघेल सर से भी मिले, उन्होंने बताया कैसी रणनीति से आपको सफलता मिलेगी, यदि आप सबकी रणनीति नहीं लेंगे तो आपको सफल होने में ज्यादा समय लगेगा, एक अच्छी रणनीति ही आपको सफल बनाएगी, कम समय में आप भर्ती लाएंगे। उसके बाद आते हैं, जब हमने उनसे कहा सर ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले टेट होगा, सुपर टेट होगा, उन्होंने कहा है रघुकुल रीति सदा चली है, जब भी शिक्षा भर्ती आई है, चाहे 800-500 हो, चाहे 69,000 हो, सर्वप्रथम टेट होता है। और ये मैं अपना व्यक्तिगत राय आपके भी सुझाव रखूंगा, मुझे लग रहा है माहौल बन रहा है, पर यह माहौल बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाएगा, आप लोग निष्क्रिय, आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। क्या आपने कभी पूछा दीपक जी गले में क्या हुआ, नितेश पांडे के डायरिया हुआ, प्रशांत तिवारी जी के पिताजी एडमिट है,
अवनी शर्मी जी के पिताजी एडमिट है, मेरी माता खुद एडमिट है। लखनऊ के भाइयों, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, पड़ोस के मेरे नजदीकी सीमा समीपस्थ आप है मेरे, आप आइए, कुछ मत करिए, सुबह आधे घंटे के लिए आइए, कोचिंग से निकलिए, मुझे फोन कीजिए, 15 मिनट के लिए आइए, आप बैठिए। हर न्यूज मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहा है, पर कब सपोर्ट करेगा? जब यहाँ पे भीड़ खड़ी होगी। आप खड़े नहीं होंगे, कौन हमको सुनेगा, कौन हमारी बात को ध्यान देगा? आप लोग, और मैं आपको बता दूं, और हमने एक बात रखी कि सर, इस भैया दूसरे प्रदेश के साथी जुड़े हो, मैं माफी मांगूंगा। अभी बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है, सातवें पेस की बहाली हुई, सब डीएलएफ के नेता, बीएड के नेता, किसी ने यह आवाज नहीं उठाई। हमारे दीपक जी ने अपना व्यक्तिगत सुझाव दिया और मैं मानता हूँ इनका सुझाव है। दीपक यादव जी ने कहा, यदि हम दूसरे के घर में नहीं घुस सकते हैं तो हमारे घर में क्यों दूसरे बाहरी लोग आ रहे हैं? जब हम बिहार में नहीं घुस सकते हैं तो बिहारी हमारे देश में क्यों आए? मेरा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यदि आपके वहाँ डोमेसाइल, वहाँ का निवास जरूरी किया गया है तो हमारे वहाँ भी शिक्षक भर्ती में यहाँ का आधार किया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के संघर्षी साथी, उत्तर प्रदेश के साथी धरने में बैठने वाले, उत्तर प्रदेश के टैक्सी 18 लाख पास साथी ही लड़े, आपस में लड़े। यहाँ पे कोई डीएलएड बीएड बीएलएड अपनी एक में बात बोली, एक में बोलिए, एक में बोलिए, वीडियो में बोलूँ, एक में बोलिए, वीडियो सुन। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, हम लोग निरंतर से सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।